दिल्ली में बीते कई महीनों से हवा जहरीली बनी है। AQI 350 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। हवा की गति धीमी होने की वजह से AQI का जो लेवल है वो रेड जोन में दर्ज किया गया। दिल्ली में बीते कई महीनों से लगातार हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। वहीं जानकारों की माने तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आने वाले दिनों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बीते 2 महीने से लगातार जो दिल्ली NCR का AQI लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा खराब स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान ग्रेप के नियम भी लागू किए गए, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव के बाद ग्रेप के नियम हटा दिए गए। लेकिन आज की बात करें तो आज भी जो AQI लेवल है जनवरी के महीने में वो 350 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां का जो AQI लेवल है वो 400 के ऊपर, यानी काफ़ी ज़्यादा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिसमें आनंद विहार, बुराड़ी, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया समेत तमाम ऐसे इलाके जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा खराब स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जानकारों की माने तो अभी कुछ दिनों तक दिल्ली के अंदर जो वायु गुणवत्ता है ऐसे ही खराब स्तर पर बनी रहेगी। ऐसे में जो हेल्थ से संबंधित लोग हैं उनके लिए लगातार एडवाइजरी जारी की जाती रही है कि किस प्रकार से डॉक्टरों का निर्देश मानना है और समय समय पर डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करना है। दिल्ली का औसतन AQI लेवल सुबह के वक्त 350 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली के कुछ इलाकों की बात करें तो जिसमें अलीपुर का AQI लेवल 395, आनंद विहार का 405, बवाना का 385, ITI शाहदरा का 415 और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का 393 दर्ज किया गया। वही जानकारी मानते हैं कि अभी दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं है। उन इलाकों की सबसे ज्यादा वायु गुणवत्ता खराब है जहाँ पर वाहनों का आवागमन सबसे ज्यादा है। जानकारों की माने तो फिलहाल प्रदूषण से राहत के आसार दिल्ली में नहीं है। टोटल न्यूज के लिए अजीत सिंह, दिल्ली। दिल्ली में ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उसके साथ ही दिल्ली वालों को अभी ठंड से राहत के आसार नहीं है। न्यूनतम तापमान सुबह के वक्त 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दिन के समय हल्की धूप के साथ आसमान साफ रहेगा और सुबह में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में सुबह के वक्त का जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो आज जो है न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस दिल्ली के कई इलाकों का देखने को मिला। हालांकि कई इलाकों का तापमान इससे भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहा, ऐसा माना जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली है कि दोपहर के समय में धूप निकलने के बाद अधिकतम तापमान में और भी बदलाव हो सकता है। वहीं दोपहर में धूप खिलने की संभावना जताई गई तो धूप निकलने के साथ ही अधिकतम तापमान में बदलाव देखने को मिला। सुबह के वक्त कोहरे की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 28 जनवरी तक सुबह के समय धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है। वहीं रात के समय में शीतलहर के साथ ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। टोटल न्यूज के लिए अजीत सिंह, दिल्ली।